चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली बाजार में सोमवार को लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में सुधार दर्ज हुआ। मलेशिया एक्सचेंज में मार्च अनुबंध वाले तेल के भाव 10 से 11 प्रतिशत के रिकॉर्ड तेजी के साथ बंद हुए। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में तेजी के अलावा शिकागो एक्सचेंज फिलहाल लगभग 4% मजबूत रहा। सूत्रों ने भी बताया कि यूक्रेन और रूस के युद्ध का मलेशिया और इंडोनेशिया की तेल कंपनियों ने फायदा उठाते हुए खाद्य तेलों के दाम महंगे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश को तेल तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने की अहमियत को समझना होगा और किसानों को प्रोत्साहन देकर तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना होगा। सूत्रों ने कहा है कि आलम यह है कि देशी तेल सस्ते हैं और आयातित तेल महंगे हो गए हैं। तिलहन उत्पादन बढ़ाकर ही ऐसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है और शुल्क में घट बढ़ करना तात्कालिक उपाय हो सकता है, पर कोई दीर्घकालिक उपाय का स्थान नहीं ले सकता। सूत्रों ने कहा कि विदेशों में तेजी से घरेलू बाजार में तेजी आने का मुख्य कारण यह है कि हम अपनी जरूरत के 60-65% खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भर हैं। विदेशी बाजारों में तेजी के अनुरूप नई फसल आने के बावजूद सरसों तेल तिलहन के भाव में भी पर्याप्त सुधार देखने को मिला, बाकी तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।